हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और भगवान आपके घर ढेर सारी खुशियां लाए। तो मैं मेरे नए साल की शुरुआत अपने पैम्पर रूटीन से कर रही हूँ और इसमें मैं ज्यादातर न्यू प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है तो प्रोडक्ट्स भी क्यों ना न्यू यूज किए जाएं। शैम्पू के लिए मैं अर्थ रिदम का मुरुमुरु बटर शैम्पू बार यूज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बार शैम्पू के बारे में सुना तो मैं ये ट्राई करना चाहती थी और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसको डायरेक्टली भी स्कैल्प पर रब कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली शैम्पू स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं पहले थोड़ा सा इसे वेट करके हैंड्स पे रब करूंगी, फिर अप्लाई करूंगी। जनरली मुझे सोप्स नहीं पसंद है, बट इसको फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद मैंने फील किया कि ये मेरे हेयर को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, उन्हें सॉफ्टन बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है और डीप कंडीशनिंग के साथ मेरे हेयर को डिटेंगल भी रखता है। हेयर वॉश करने के बाद इंस्टेंटली मैं फील कर सकती हूँ मेरे स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। ये स्पेशली इंडियन हेयर के लिए बनाया है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है और सबसे अच्छी बात है इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, जिसकी वजह से 12 मिलियन प्लस प्लास्टिक बॉटल्स एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं ये बटर क्रीम सोप अप्लाई करने वाली हूँ। ये भी सेम अर्थ रिदम का ही है, बेरी स्मूदी बटर क्रीम सोप। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दैट ब्यूटी, कितना अमेजिंग है। इसका कलर एंड स्मेल इज सो गुड, मतलब इतना अच्छा है कि इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में हो। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप भी ट्राई कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपको अपनी बॉडी को डीप क्लीन करना है तो एक क्लीन हैंकी लो, उसे थोड़ा सा वेट करो और इस पे आप ये क्रीम सोप अप्लाई करो। अच्छे से फोम क्रिएट होने के बाद इसे आप अपने पूरी बॉडी पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट भी है कि आप उन सब जगहों पे भी इजीली क्लीन कर सकते हो जो कि आप लूफा से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ईयर्स, बेली बटन एंड टोस के बीच में। ऑनेस्टली मुझे ये लूफा से ज्यादा अच्छे लगते हैं और अगर आप वॉश क्लोथ्स नहीं यूज करते हो तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। बटर क्रीम सोप यूज करने के बाद आई फील कि ये स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेट बनाता है। इसमें और भी वेरिएंट्स अर्थ रिदम के वेबसाइट पे अवेलेबल है और मेरे पास एक और वेरिएंट है, ये वेनिला क्रीम, एंड ये भी काफी अच्छा है। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई और वेरिएंट ट्राई करना चाहते हो तो शैम्पू बार एंड बटर क्रीम सोप के लिंक के साथ मैं आपको इनकी वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फीट्स के लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा यूज करना चाहिए जो हम हमारी बॉडी पे यूज नहीं करते हैं, तो मैं ये फुट स्क्रबर यूज कर रही हूँ। इससे मैं अच्छे से डेड स्किन रिमूव कर लूंगी। मुझे फीट्स क्लीन पसंद है तो ये मेरे नॉर्मल रूटीन में भी आता है। इसे यूज करने के बाद मुझे मेरे फीट सॉफ्ट एंड क्लीन लगते हैं। नेक्स्ट मैं ये पिलग्रिम का बॉडी स्क्रब यूज कर रही हूँ। इसका भी स्मेल OMG बहुत ही मस्त है।
एंड यूजुअली मैं स्क्रबिंग के लिए कॉफी स्क्रब यूज करती हूँ। अभी 2-3 बार से मैंने ये यूज किया है, ज्यादा नहीं, मैं वीक में एक बार ही स्क्रब करती हूँ। और अब है कोकोनट ऑयल की बारी। जैसे कि मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई किए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो पहले ये अप्लाई कर लेते हैं। फेस वॉश के लिए मैं ये बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश यूज कर रही हूँ। टी ट्री एक्ने रिड्यूस करने के लिए काफी अच्छा होता है और आजकल मुझे ये थोड़े बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फेस स्क्रब के लिए हिमालय का स्क्रब यूज कर रही हूँ। जब मुझे फेस वॉश यूज करने का मन नहीं होता है तो मैं उस दिन सिर्फ स्क्रब कर लेती हूँ। ये स्क्रब अगर आप अपने पूरे फेस पे यूज करते हैं तो ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, हल्की हैंड से मसाज करें, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े हार्श हैं तो स्किन डैमेज हो सकती है। लिप्स के लिए मैं ये शुगर का लिप स्क्रब यूज कर रही हूँ। मोस्टली मैं लिप स्क्रब के लिए DIY करती हूँ, पर आज मैं DIY के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं ये स्क्रब यूज कर रही हूँ। इसका स्मेल कॉफी की तरह है। अगर आप लिप्स के लिए DIY स्क्रब ही यूज करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। इस स्क्रब के कंपेरिजन मुझे लगता है कि DIY स्क्रब ज्यादा अच्छे हैं। ये थोड़ा फैंसी दिख रहा था इसलिए मैं इसे ट्राई करना चाहती थी, बट पर्सनली मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। स्क्रब करने के बाद मेरे लिप्स और ज्यादा सॉफ्ट एंड पिंक फील होते हैं मुझे। मैंने ये आई मास्क बनाया है, ये थोड़ी देर के लिए लगाऊंगी। इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप में से ज्यादा लोगों के कमेंट्स इससे रिलेटेड हुए तो मैं जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगी। ये बहुत ही अच्छा है डार्क सर्कल्स के लिए, एंड नॉर्मली भी अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। जितनी देर के लिए मैं ये आई मास्क लगाने वाली हूँ तब तक के लिए फेस पैक भी लगा ही लेते हैं। तो फेस पैक के लिए मैं ये DIY मास्क अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने कॉफी, बेसन, दही एंड हनी मिक्स किया है, एंड ये मास्क भी विंटर्स के लिए परफेक्ट है। मिनट्स बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रिमूव करने के बाद डायरेक्टली भी फेस वॉश कर सकते हैं। मुझे इस आई मास्क से अपना फेस मास्क रिमूव करना अच्छा लगता है, तो मैं इसे रिमूव करूंगी और उसके बाद वॉश कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ये बॉडी बटर अप्लाई कर रही हूँ जो कि वेनिला शेड में है। इसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये डीपली मॉइस्चराइज करता है, एंड आई थिंक इसका स्मेल वेनिला कपकेक की तरह है।
जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे फेस पे रोज वाटर स्प्रे करना कितना पसंद है, तो मैं ये कामा आयुर्वेदा का यूज कर रही हूँ। और अब लिप बाम, ये डॉट एंड की का स्लीपिंग मास्क है, बट इसे नॉर्मली भी यूज किया जा सकता है। तो मैं ये मास्क एज अ लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, और आजकल मैं यही लिप बाम यूज कर रही हूँ सोने से पहले, और दिन में भी यही लगाती हूँ। अब लास्ट में ये द बॉडी शॉप का बॉडी मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं अपनी बॉडी पे स्प्रे करूंगी। और इसी के साथ मेरा पैम्पर रूटीन कंप्लीट होता है अच्छी अच्छी खुशबू एंड फ्रेशनेस के साथ। तो अब मैं चलती हूँ डिनर करने, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर रूटीन देखने के बाद आपका भी मन हुआ हो पैम्पर करने का तो वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर करना चाहो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो शेयर भी कर सकते हो। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ऑप्शनल नहीं है, चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।